कुछ पल सामान्य से देखते हैं पर उनमें इतिहास घटित होता है। विपल जीवन में बड़ा परिवर्तन रूपांतरण घटित करते हैं। विपल जीवन की दिशा दशा बदलते हैं। देखने में लगता है कि कोई काल सामान्य सा है, कोई पल ऐसा ही है जैसा पूर्व में था, पर कभी कभी पूर्व से भी भिन्न एक अपूर्व अभूतपूर्व वो पल होता है जिसमें हम अपनी मुमुक्षा का चरम प्रकट करते हैं। हमें कोई एक सत्य को यथार्थ को जानने की प्यास, जब पूर्ति के लिए व्याकुल हो, हमें अपनी सामर्थ्य शक्ति के स्रोत को जानने की जिज्ञासा, मीमांसक कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा या उस धर्म की भी जिज्ञासा। और वे कैसे पल होते हैं जब साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण हो साधक का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और उसमें वो जिज्ञासा पैदा हो, यथार्थ के अनावरण के सत्य के प्रकाशन की। तो फिर ऐसा काल सामान्य नहीं होता। फिर ये सामान्य पर्व नहीं है जिसमें हम बैठे। भुवन भास्कर की ओर, भुवन भास्कर की किरणें रश्मियां जब धरती की ओर बढ़ती हैं, जिनमें स्वाभाविक प्रकाश रहता है, जो यथार्थ अनावरण के लिए प्रतिबद्धित हैं, तब भोर या प्रत्युषा उषा काल में उस प्रभात या प्रातः का प्रकट होना, दिवस के निर्माण की वो आरंभिक बेला, उससे पूर्व पंछियों का चहचहाना, जैसे मानो धरती पर एक उत्सव प्रकट हो गया। तो भोर में जैसे प्रकाश आता है तो जीवन के अर्थ उजागर करता है। हर दिन ऐसा होता है, हर दिन का वो जो उषा काल है वह प्रातः काल है जो दिवस का निर्माण करती है, हर दिन ऐसा होता है। पर कभी अंत उजियारा हो, कभी वैसी ही कोई एक प्रत्युषा, वैसी कोई एक भीतर में भोर जगे और हम अपने प्रति सचेत हों, स्वयं के प्रति।